तो गाइस आ गए अपने बढ़िया माइनक्राफ्ट सर्वर सीरीज में। और गाइस ये देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने ना ये अपना एकदम बढ़िया सा अनलिमिटेड स्लाइम फार्म बनाया था और ऊपर एकदम ऊपर है ना अपना एफके सिस्टम में स्पॉट एक्चुअली जिधर से हम लोगों ने एकदम अनलिमिटेड स्लाइम भी देख सकते हैं। तो अभी आपको दिखा दे ओ भाई लगी हो भाई साहब ये देखो कितने स्लाइम है। और लास्ट टाइम मैंने ये ब्लॉक भी बनाए थे एकदम बढ़िया सा फार्म है गाइस मैं बता रहा हूँ। एक रात में आई गेस 5 से 10 टैक हो जाते हैं बॉल जमा एकदम तगड़ा स्लाइम फार्म है। और गाइज मैं दिखा देता हूँ मैंने विलेज में एक छोटी सी चीज बना के रख दी ये देखो भाई सब एकदम बढ़िया सा एरिया। तो इधर इनके पास है ना मैंने ये एंडर पर्ल के लिए ये देखो 3 जन को क्लेरिक बना दिया अनलिमिटेड एंडर पर्ल मिलने वाले अपने को। और ये लो भाई सब इतने एंडर पर्ल भी मैंने जमा करके रख दिया गाइज मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है ये देखो ओके लगी ना ओह बहुत ज्यादा लगी। और गाइस ये देखो अपना प्यारा घोड़ा एक्चुअली ये दूसरा वाला घोड़ा है जो जिसकी हेल्थ बहुत ज्यादा है बट घोड़ा ये बहुत ज्यादा स्लो यार मुझे बहुत ज्यादा फास्ट घोड़ा चाहिए सही में बता रहा हूँ ये स्लो घोड़ा है गाइस। तो मैं बता दू अभी इन लोग को भी फिक्स कर देता हूँ मैं। और एक गोलेम था इधर किधर तो एक काम कर देते पहले सो लेते फिर इसको सुबह मैं रिपेयर कर दूंगा। ये लो भाई साहब सुबह हो गई ये देखो बेचारे तीनों क्या कर रहे हैं इनको मैंने पकड़ के रख दिया है एक्चुअली ये गोलेम किधर गया ये देखो भाई साहब बेचारा कोले मैन इसको किसने तो बहुत ज्यादा मारा इसको मैं फिक्स कर देता ओके इसको फिक्स कर दिया। और गाइज मैं सही में बताऊ तो मैंने ना अपना जो पहला घोड़ा था ना वो ढूंढ लिया ये वाला घोड़ा बहुत ज्यादा स्लो है बट इसमें आप लोगों ने लिखा था कि इसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा है बट मुझे फास्ट वाला घोड़ा ही चाहिए गाइज तो और वो मैंने ढूंढ ही लिया है तो मुझे पता है वो किधर है और उसको मैंने पकड़ के रख दिया है। और गाइज मैं बता दू तो आज के एपिसोड में ना हम लोगों ने ये अपना जो घर का काम हम लोगों ने चालू किया तो ये वाला घर हम लोगों ने आज पूरा कम्प्लीट कर देने वाले और एकदम प्रिपेयर रूम में मैंने सब सामान भी जमा करके रख दिया है। तो मैं आपको पहले ना अपना घोड़ा दिखा देता हूँ एक काम कर देता हूँ इसको ना पहले ना इधर बांध देता हूँ नहीं तो ये भाग जाते हैं गाइस तो इसको लीड लगा देता हूँ मैं इधर। और आई थिंक आपने सही गेस किया उसको है ना मैंने विलेज में बांध के रखा था मुझे याद भी नहीं उसको मैंने विलेज में कब छोड़ा था तो आप ही देख लो बेचारा क्या कर रहा है। ये लो भाई साहब अपना पहला वाला घोड़ा यार बेचारा अकेले अकेले क्या कर रहा है यार सही में मैंने इसको कब छोड़ा मुझे याद ही नहीं है अभी मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा मेरे भाई अच्छा ये लो भाई साहब अपना फास्ट वाला प्यारा घोड़ा ये देखो कितना फास्ट भागता है यार बहुत ज्यादा मजा आता है। और गाइस मैं आपको दिखा दूं तो विलेज का हाल ये लो इधर इतने सारे विलेजर्स हो गए कि पूछो मत। और मैंने ये जो इस पे बहुत सारी एंचेंटमेंट वगैरह लगाई लूटिंग फायर एस्पेक्ट तो इनसे ही ट्रेड करके लगाई ये देखो इधर लाइब्रेरियन कितने सारे लाइब्रेरियन हो गए इतने सारे बेड लगा दिए गाइस ये देखो सही मैं बता रहा हूँ इधर बहुत ज्यादा विलेजर्स हो गए ओ भाई 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 गाइज बहुत ही ज्यादा डिले हो रहा है तो मैं सोचो आज हम लोग ना पूरा कर ही देते हैं फटाफट से। और गाइज इसको भी मैं इधर बांध देता हूँ भाई साहब नहीं तो ये दोनों भाग जाते और इसको हम लोग ना जल्दी डायमंड आर्मर देने वाले क्योंकि ये अपना पुराना और हम लोग इसको रोज यूज करने वाले। और ये देखो भाई अपना घर का काम इतना ही हो चुका है और मैंने गाइस सब सामान पहले ही सेट करके रख दिया नहीं तो भाई बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। और इधर मैं एक काम कर देता हूँ और एक चेस्ट बना लेता हूँ और इधर हम लोग चेस्ट रख देते हैं और इसमें अपने को जो जो चीजें नहीं चाहिए अभी फिलहाल तो वो मैं सब रख देता हूँ इसमें। ओके गाइस तो अभी हम लोग घर का काम चालू कर देते अभी मुझे ना ये तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा चेंज भी करना है इसलिए। और फिर इधर हम लोग ना ये स्टोन के ब्रिक से रिप्लेस कर देंगे एकदम बढ़िया सा लुक आ जाएगा इसको। और इधर है ना हम लोग ना बीच में एक जगह छोड़ देते विंडो के लिए एक्चुअली विंडो नहीं लगाने वाले हम लोग ना बाहर लगाने वाले। और गाइस ये वाला जो घर है मुझे नहीं पता मैं बताया कि नहीं ये देख के बना रहा हूँ कुछ से नहीं बना रहा हूँ पूरा मेडिवल स्टाइल का डिजाइन एकदम बढ़िया मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला इसलिए यही बताने का सोच दिया। और ये जो विंडो है ना इसमें हम लोग ना ये बाहर लगा देते हैं पूरा ऐसा जेल टाइप फील आ रहा है अच्छा सा लग रहा है वैसे पूरा मेडिवल स्टाइल। और गाइस वैसे भी एज यूजुअल रात होने वाली है तो अभी हम लोग पहले सो लेते हैं फिर सुबह अपना काम पूरा चालू कर देंगे जो से। ये लो भाई साहब सुबह हो गए पहले हम लोग ना कुछ खाना पानी कर लेते हैं। ओके गाइस हम लोग ना गोल्डन कैरेट खाने वाले मुझे नहीं पता ये मतलब क्या करता है ओके कुछ नहीं कर रहा आई थिंक। और गाइस हम लोगों ने इधर जो 8 टेबल बनाए ना ये देखो इधर 4-4 तो ये अपने को इधर ऊपर ऐसे 2 लेयर बनाने मतलब टोटल आई गेस 3 फ्लोर हो जाएंगे ग्राउंड प्लस 2 तो अभी हम लोग बना रहे। और फिर हम लोग ना इधर है ना बीच में अपने ये स्लैब लगा देंगे यार बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत लगने वाली ऐसा लग रहा है मुझे। ऑल राइट गाइस ये देखो ऊपर का हो गया मुझे लगता है यार नीचे कूदने पे बहुत ज्यादा लगने वाली है। ओके गाइस अभी अपने को ये बीच में भी लगा देना है ये देखो भाई साहब हो गया अभी अपने को इसमें भी गाइस स्लैब लगा देने ये फ्लोरिंग बना देनी है मतलब ऊपर के लिए। ऑल राइट गाइस ये देखो हो गए टोटल 3 फ्लोर हो गए यार
सर मैं बता रहा हूँ ये घर है ना थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, मतलब वो घर से बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये वाला। ओके तो ये देखो इतना लगा देने अपने को, ये वाला जो वॉल है ना ये पूरा भर देना है, बाकी जो वॉल आने वाली है ना उनमें अपने को ना एक एक ब्लॉक गैप रखना है विंडो टाइप डिजाइन। तो ये देखो भाई क्या सही लग रहा है ये वाला। वैसे गाइस सही में बताओ तो ये वाला घर है ना अपना एकदम बढ़िया से बनने वाला है, तो अभी एक काम कर देता हूँ इधर स्कैफोल्डिंग लगा देता हूँ मैं, और गाइस अभी हम लोग ना इसमें विंडोज लगाने वाले नीचे की तरह बांस नहीं लगाने वाले ना, ये वाला अच्छा लगेगा। वैसे ये देखो गाइस ऊपर से क्या मस्त लग रहा है, ये तो इतनी हाइट है एक्चुअली इसके ऊपर भी जाने वाले हम लोग। ओके गाइस तो अभी अपने को रूफ बनाना है इसलिए मैं ये साइड में ऐसे ये ब्रिक्स यूज करने वाला हूँ और फिर इधर भी आ जाएंगे। ये देखो भाई साहब ऐसे लगाने थे मैंने गलत लगाए थे, ये भी हटा देता हूँ मैं और ये लो अभी बराबर लग रहा है गाइज। अभी गाइज अपने को यही चीज करते रहना है और ये वाला पूरा रूप बन जाएगा फिर। और गाइज ये लो अभी अपना रूप भी कंप्लीट हो चुका है गाइज, बहुत ज्यादा स्लैब्स वगैरह लगे इधर ब्रिक साइड में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा महंगी चीज है और एकदम तगड़ा सा लग रहा है। अभी हम लोग ना नीचे चल के देख लेते हैं कैसा लगता है अपना ये। ओके ये लो भाई साहब क्या सही लग रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ गया, एक मिनट ये तोड़ देता हूँ एक्स्ट्रा। ओके गाइस तो भी अपना ये वाला काम तो हो गया, अभी अपने को ना ये साइड का बनाना है, तो अभी अपने को इधर रहना 12 ब्लॉक हाई जाना है। ओ भाई साहब ये देखो कितना ऊपर आ गए, मुझे तो डर लग रहा है नीचे कूदने में। ओके ओ भाई बहुत ज्यादा हेल्थ गई अपनी। ये देखो गाइस अभी अपने को ना इसको ऊपर तक लेके जाना है, भाई साहब बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इसको। और ये लो भाई साहब हो गया, तो ये वाली चीज बनाने में गाइस सही में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइम लगा, एकदम बढ़िया सा लग रहा है। एक काम कर देता हूँ नीचे कूद देता हूँ, और वैसे भी रात हो ही चुकी है, इतना बड़ा टावर बनाया सही में गाइस यार ये वाला घर है ना थोड़ा ज्यादा ही महंगा पड़ रहा है अपने को, अभी फटाफट से सो लेते हैं। तो गाइज ये देखो अपने घर का काम अभी तक इतना हुआ है और भी बहुत कुछ बाकी, इधर अपने को स्टेयर्स वगैरह बनानी है अभी और थोड़ा सा लुक देने के लिए। गाइज ये देखो इधर मैंने ना ऊपर नीचे स्टेयर्स लगा दी और इधर भी स्टेयर्स लगा दी और एकदम बढ़िया सा ये पीछे के साइड से लग रहा है, सही में बता रहा हूँ मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना जो फेसिंग था वो इधर गलत हुआ है, तो आई थिंक अपना फेसिंग है ना ऐसा होना चाहिए था, ऐसा तो ये थोड़ा सा गलत है बट कोई नहीं क्योंकि इस साइड ज्यादा शैडो आ रही है ये घर के वजह से। बट अभी आपको मैं ऊपर जाके दिखा देता हूँ, ये देखो भाई साहब इधर अपनी गैलरी एकदम बढ़िया सी, इधर मतलब एकदम बढ़िया सा रूम हो गया। और ये देखो अपना आई थिंक ये टॉप फ्लोर है सेकेंड फ्लोर है आई गेस, एकदम बढ़िया से नजारा आ रहा है इधर। मुझे लगता है अपने को ना गैलरी वगैरह बनाना चाहिए, वो हम लोग ना बाद में बना सकते हैं, और ऊपर जाके दिखा देता हूँ आपको। ये लोग एकदम ऊपर आ गए बट आई थिंक बारिश हो रही है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं नीचे चलते हैं। ओ भाई भाई ओके बाइज ये देखो कितनी लगी यार, मुझे फेदर फॉलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अभी हम लोग फटाफट से सो लेते हैं। एक्चुअली गाइज मैं बता दूं तो मैंने ना नीचे है ना इधर किधर तो ग्लोइंग स्क्विड देखा था, मुझे नहीं पता। एक मिनट ये देखो ये देखो ये देखो एक मिनट ये देखो गाइज इतने सारे ग्लोइंग स्क्विड, एक सेकेंड भाई साहब नीचे क्या है, मैं पहली बार जा रहा हूँ अभी। ओके दो ग्लोइंग स्क्विड है इधर नीचे, कुछ तो होना चाहिए आई थिंक। इधर क्या है, ये गोल्ड है अपना नॉर्मल और चेंज होगा इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। ओ भाई साहब आई थिंक रेडस्टोन है इधर, आई थिंक डायमंड भी हो सकते, और मुझे नहीं पता ये पोर्टल के लिए कि क्या है, ये ऑब्सीडियन इधर क्या कर रहा है। ओ भाई 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 और मुझे नहीं पता ये स्क्विड को मारना चाहिए कि नहीं, मुझे ट्राई करना यार क्या मिलता है, हम लोग देखते मर जा। ओके इसने कुछ तो ड्रॉप तो किया, किधर गया ये देखो भाई साहब ग्लो इंसेक्ट ड्रॉप किया इसने, मुझे नहीं पता ग्लो कर रहा है क्या ग्लो, आई डोंट नो यार, बट मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, इसको छोड़ देते हम लोग अपने मतलब समुंदर में यार रहना तो चाहिए। और ये देखो भाई इधर से क्या मस्त लग रहा है, सही में बता रहा हूँ एकदम मेडिवल स्टाइल का घर है अपना ये। अभी गाइस मैं एक काम करने वाला हूँ, सही में इधर साइन बोर्ड लगा के देखने वाला हूँ ये ग्लो करता है कि नहीं, ये लिख तो दिया अभी बस मुझे देखना है ये ग्लो करता है। ओके गाइस और अभी मेरे पास एक सेकेंड यार, मेरे पास एक भी डाई नहीं है तो वो डाई ले लूंगा, बट यार ग्लो कर रहा है। अभी एक काम कर देता हूँ इसको रख देता हूँ मैं इसके अंदर और अभी अपना बाकी का काम चालू करते थे, इधर अपने को स्टेयरकेस बनानी है। ओके गाइस तो अभी अपने को ना इधर है ना स्टेयरकेस बनानी है, आई थिंक अपने को ये भी हटवाना पड़ेगा, देखते हैं जिस हिसाब से हो जाता है। ओके भाई साहब ये देखो अपना स्टेयरकेस बन गया मतलब एंट्रेंस, तो अभी मैं सोचो इधर है ना हम लोग है ना इधर नीचे
एक सेकंड, इधर हम लोग है ना स्टेयरकेस लगा दे पूरे साइड से, एकदम बढ़िया सा लुक आ जाएगा, रिंग लुक। ऑल राइट, अभी मुझे लगता है और ज्यादा बेटर लग रहा है। अभी अपने को डोर्स वगैरह लगाने और थोड़ी सी फेंसिंग करके डेकोरेशन देना। ऑल राइट गाइस, ये देखो फेंसिंग वगैरह हो गई। और ये लो अभी मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड पहले ये हटा देता हूँ। और ये लो गाइस क्या चमक रहा है यार, मस्त एकदम ग्लोइंग सा के ना कुछ, तो मतलब बढ़िया चीज है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से यार सो लेते हैं। और गाइस सुबह हो गई, अभी अपने को ना थोड़ी सी फिनिशिंग वगैरह करनी है और अंदर है ना और लाइडर्स वगैरह ऐड करने हैं। बाकी काम तो हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी गाइस मैं इसको और थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक देने वाला हूँ, जिससे ये और बढ़िया लगेगा, सही में बता रहा हूँ। और अभी हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कौन है। ओह भाई साहब, ये देखो क्या कर रहा है इसको। ओके दो दो बैठे यार अंदर, तो इसको मार दो। ये ले तू बिल्ली, ये ले। और ये अपनी ऊपर की रूफ की जगह है। एक्चुअली इधर है ना नीचे जाने के लिए आई थिंक मुझे ये बनाना पड़ेगा लैडर वगैरह, बट वो मैं बनाऊंगा। अभी इसका काम कर लेता हूँ पहले। ओके इधर अभी तीन ब्लॉक हाई, अपने को एक छोटा सा एंट्रेंस बना देना है, इधर भी आ जाएगा। ओके गाइस अभी मुझे लगता है अच्छा सा लुक आ गया है। अभी अपने को ना इसके ऊपर है ना इधर एक बस एक फ्लैग लगाना है कौन से भी कलर का, बट मैं सोचा येलो कलर का लगा देंगे। ऑल राइट, तो अपने पास वूल आ गई है गाइस। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट से ऊपर चलते हैं और बुल लगा देते हैं। ये देखो ये वाली शिप भाग गई, सही में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा लकी है। ये लो इधर से क्या मस्त लग रहा है। ओ भाई डॉल्फिन क्या कर रही है यार, एकदम बढ़िया नजारा, एकदम बढ़िया। और गाइस अभी अपने को ना इधर है ना ऐसे फ्लैग के डिजाइन में आई थिंक डायगोनली वुल लगाना चाहिए इधर ऐसे। आई थिंक हो गया, बराबर से लग रहा है, थोड़ा सा तो फ्लैग जैसा लग रहा है। अभी ये सब हटा देता हूँ मैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं गाइस, नीचे चलते हैं और देखते हैं कि अपना ये घर भी कैसा लग रहा है। और अपने को ना एक्चुअली थोड़ी सी लैडर भी बना देनी है, ताकि हम लोग ना अंदर से एकदम आसानी से ऊपर नीचे जा सकते हैं। गाइस अपना घर फाइनली पूरा रेडी है, बस अभी अपने को ना अंदर का फिनिशिंग करना है। अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया है, यानी कि मतलब कुछ रखा ही नहीं। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये भी हटा देते हैं हम लोग। और एक सेकंड, और एक्चुअली मुझे ना इधर से ऊपर नीचे जाने के लिए स्टेयर्स वगैरह भी बना देनी है। ओके बहुत ज्यादा लैडर्स बना ली, अभी अपने को ना बस ये कनेक्ट वगैरह करने, उसके बाद में अभी मैं सोच रहा हूँ। आई थिंक गाइस ऊपर कोई तो मेहमान आया, ये देखो भाई साहब ये किधर से आया मुझे नहीं पता, ये स्पॉन होते ही रहते। और अभी मैं सोच रहा हूँ बस अपने को अगर ऊपर जाना है तो मुझे लगता है इधर से ही लैडर बनानी पड़ेगी कोने से। ऑल राइट गाइस, ये देखो हम लोग एकदम टॉप पे आ गए, एकदम बढ़िया से भाई, सही में बता रहा हूँ। एक मिनट, एक्चुअली मुझे उधर जाके देखना है कि कैसे लगता है। गाइस हम लोग इधर से उधर कैसे छलांग मारते यार, आई थिंक इधर अपने को लैडर लगानी पड़ेगी। तो अभी ये लो, ओके गाइस एकदम आई थिंक ये सेमी आई टी है ना। ओ भाई साहब अभी क्या बढ़िया नजारा आ रहा है, सही में बता रहा हूँ। अभी हम लोग ना एकदम ऊपर तक आ सकते हैं, बट अपने को ऐसे छलान मार मार के आनी पड़ती है। ओके इधर से मुझे नीचे जाना है। एक्चुअली गाइस मेन चीज रह गई, अपने को ना दरवाजा बनाना है। अभी टेम्पररी में सोचो हम लोग ना यही बना देते। ओके छह बन गए, मैं भूल ही गया था कि दो बनते है। तो आई थिंक किधर आना चाहिए दरवाजा, आई थिंक इधर ही आना चाहिए ऐसे। ओके अभी नहीं, फिर इधर लॉक नहीं है, एक काम कर देता हूँ इधर लॉक लगा देता हूँ। आई थिंक अभी बराबर इधर अपने को कुछ तो नेम प्लेट भी लगानी चाहिए, अभी बराबर से हम लोग आ सकते हैं। ये देखो, ओके ये देखो डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। और ये लो भाई साहब एक नंबर, और ऊपर जाके मैंने दिखाया नहीं शायद आपको, ये देखो इधर भी अपना कोई तो वेट कर रहा है गाइस, सही में बता रहा हूँ यार। क्या चालू है इनका, क्या चालू क्या इधर। ओके गाइस ये देखो एकदम टॉप पे आ गए, और इधर से दिखता है ओके इधर थोड़ा सा गैप है, कोई नहीं चलता है। एकदम बढ़िया सा नजारा इधर भाई, पूरा स्टोरेज रूम बनाने वाले हम लोग इसको। और इधर तो ओपन रखेंगे, इधर कुछ नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि इधर ही अच्छा दिख रहा है ऐसे। ये लो भाई साहब सही में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ गया। और थोड़ी सी लैंटर्न वगैरह ले लेता हूँ मैं, इधर लकी है गाइस। ये देखो इतनी 60 लैंटर्न मिल गई, और थोड़ी सी टॉर्चेस भी बना लिए मैंने, तो थोड़ी सा उजाला भी कर लेते हैं। और मुझे लगता है अपने को ये वाला एरिया भी क्लियर अप कर लेना चाहिए, वो तो मैं बाद में करूंगा जैसे हम लोग फार्म बनाएंगे नए। ये देखो भाई साहब कितने सारे लैंटर्न रख दिए मैंने, आपको अभी दिखा देता हूँ, पीछे के साइड से एक बार देख लो बस गाइस। ये देखो कितने सारे रख दिए, क्योंकि अपने पास बहुत ज्यादा लेक्टन है यार, अनलिमिटेड ही चीज है ऐसा समझ लो। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और आपको भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपना ये मेडिवल स्टाइल का हाउस कैसे लगा वो भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। फिर अभी के लिए यही रुकता हूं गाइस, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय गाइस।